हेलो, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास ऑफ जेआरएमएस। आज हम विशेष एक पोएम के बारे में देखने जा रहे हैं जो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक की तीसरा पोएम है। आप लोगों में से बहुत लोग इसका अध्ययन कर रहे होंगे और उसका नाम है ए टाइगर इन द जू। आप लोगों में से कितने लोग टाइगर देखे हैं? जू में तो बहुत लोग देखे ही होंगे, पर कितने होंगे जो टाइगर देखे हैं ऐसे हकीकत में जू के अलावा? यहाँ जब टाइगर पर हम पढ़ते हैं जो जूस में रहता है उसके संबंधित है। क्लास 10th की किताब में से तीसरा पोएम है। इस लेखक पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। ये टाइगर जू में है। बार अब देख रहे हैं किस तरह टाइगर को चिड़ियाघर में रखा जाता है जू में। आप लोगों में से कितने लोग चिड़ियाघर वगैरह घूमने गए हैं? गर्मी छुट्टी जब होता है तब कितने लोग आप लोग इस तरह समर वैकेशन में जाते हैं? और आप लोग जाके केवल देख के मनोरंजन के लिए देख के आते हैं? ऐसे कुछ विशेष सीखने को भी मिलता है। ए टाइगर इन द जू जब हम पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के पोएम में से कई सवाल आते हैं, और मैं आपको ये वादा करता हूँ अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो कहीं से भी सवाल आ जाए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पूरा हल करके आ सकते हैं। बस शर्त इतना है कि आप इसे अंत तक अवश्य देखें, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू इसका लेखक है, उसका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये उनका तस्वीर है। इनका समय इसमें दिया गया है 1921 से 2006। इस पोएम पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जो पोइट के संबंधित कुछ हम देखेंगे। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वॉज बोर्न इन मार्टियर टैडफिल्ड साउथ वेल्स। हिज फादर जॉर्ज वॉज ए टॉल एथलेटिक मैन लैकिंग एजुकेशन। लंबे चौड़े उनके पापा थे और एथलेटिक्स मैन थे। कुछ एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ही हैड टू फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध में उनके पापा भी भाग लिए थे युद्ध में। लेस्ली हैड ए चीयरफुल चाइल्डहुड। When Leslie was 19 years old, he joined the Royal Air Force during the Second World War. Even Second World War time, when he was 19 years, he had joined in Air Force, Royal Air Force में। When Leslie was teenager, he sent his first poem to Verona Vaticans. Vaticans, who found his poem not very profound, but gave him some advice. कुछ उन्हें पहला पोएम जब भेजे थे उसने उसे उतना प्रोफाउंड स्वीकार्य उसे उतना महत्व उसका पूरा जितना होना चाहिए मिलना चाहिए था जो सम्मान है जो भी जो हम लोग लगन से कुछ करते उसका उतना महत्व नहीं देखा गया। पर उन्होंने इसके बावजूद भी अपना जो लिखने का शैली है पोएट बनाने का पोएट
रचना करने का, इस सब में कभी उन्होंने नहीं हार माने और लगातार वो करते गए। बट गिव हिम सम एडवाइस, उसमें कुछ एडवाइस उन्हें मिला, दिस हैड ए मैन इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग स्टाइल ऑफ यस, और उसी सलाह के वजह से कुछ उन्हें प्रेरणा मिली कि और अपने पोइट में पोएम में अच्छे करने के लिए, एक पोइट बनने के लिए और पोइट के तौर पे किस तरह वो बेहतर अपने आप को निखार सकते हैं, उसने उसमें से कई चीज़ें सीखने को मिला। इन हिज फ्री टाइम ही रोट पोएम एंड अर्न हिज मनी बाय बींग एन अनऑफिशियल वर्कर फॉर द लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या है, एक पोएम लिखते हुए भी कई अर्निंग वो करते थे एंड ही वॉज वर्किंग इन लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। देन ही वर्क एज ए टीचर एंड रोज टू हेड मास्टर, फाइनली टू ए कॉलेज लेक्चरर। नाउ ही स्टार्टेड टीचिंग, देन ही बिकेम्स हेड मास्टर, देन ही बिकेम लेक्चरर। लेटर इन 1974 एट द अर्जिंग ऑफ हिज वाइफ किटी ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए प्रोफेशनल राइटर ऑफ पोएम। बिफोर ही वॉज राइटिंग ओनली, लेकिन अब क्या है, प्रोफेशनल बन गए। आप समझते प्रोफेशनल में सब कुछ छोड़ करके उसी में पूरा लग जाना, वही काम उनका है, एक प्रोफेशनल पोइट बन गए। किसके कहने पे, किटी उनके वाइफ के कहने पे उन्होंने 1974 में एक प्रोफेशनल पोइट के तौर पूरे तौर से उसमें लिप्त हो गए। ये थी उनकी जीवनी, कुछ हिस्सा है। सो टाइगर इन द जू, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन प्रोसीड अबाउट दिस पोएम। पोएम जब टाइगर इन द जू, इसमें पोइट क्या करता है, टाइगर को जो जू में चिड़ियाघर में रखा जाता है, एक आज़ाद घूमने वाला एनिमल है, लेकिन ये मनुष्य के फन के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए, या हम लोग बच्चे साथ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं मान इंसान के फन के लिए उनको रखा जाता है। इसमें विशेष तौर से पोएम में किस संदर्भ में कहा गया, किस उसी दर्द को जो चिड़ियाघर में रखे रहते हैं जू में जानवरों को, उनके बारे में यहाँ लिखते हैं। लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन द टॉर्चर एंड हेल्पलेस ऑफ ए केग टाइगर दैट लिव्स इन ए जू। द पोएट एक्सप्लेन व्हाट इज लाइफ में कुड बी इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ क्रिएचर दैट आर केग बाय ह्यूमन बींग फॉर देयर फन। पोएट यहाँ पर जो टाइगर इन द जू, यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं, यहाँ पर उस उनके दर्द को, उनके तकलीफ को महसूस करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं किस तरह जानवरों को कैद करके रख दी जाती है। अभी आप भी महसूस कर किए होंगे जब लॉकडाउन के पीरियड में जब हम लोग घर ही पे रह जाते हैं तब क्या महसूस होता है, और आप ज़रा सोचिए जानवर को इस तरह हम लोग बंधन में पिंजरा के अंदर डाल के रख देते हैं। एक आज़ाद घूमने वाला शेर, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल एनिमल है, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, कैद करके हम उसे रख लेते हैं। कितने क्रिएचर्स हैं उनको भी इस तरह कर लेते हैं, क्यों, किस लिए, बस फॉर ऑन फन ओनली। तो इस चीज़ों को हम यहाँ पे देखने को मिल, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, पोइट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इस पोएम में हम क्या सीखेंगे, ए टाइगर इन द जू, इस पोएम में विशेष तौर से हम क्या समझने को मिलेगा, पहले हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। लेट मी टेल यू एंड देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स पोएम। सो कीप इन माइंड व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर। फर्स्ट थिंग, वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता क्या होता है, आज़ादी क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। जब आप आज़ाद रहते हैं तब आप महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप उन्हें पूछिए जिसके जीवन में आज़ादी नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में जब देखेंगे कहीं जाने का स्वतंत्रता नहीं है, कहीं आप जा नहीं सकते हैं, तब क्या होता है, तब आप महसूस कर पाते होंगे आज़ादी क्या होता है। यहाँ पर उस विषय को देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द डेंजरस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड ब्लेसिंग ऑफ फॉरेस्टेशन। जो जंगल सब कटते जा रहे हैं, जंगल का बर्बादी हो रहा है, हम लोग अपने फायदा के लिए उसका क्या
मतलब रह जाएगा। अगर हम इसे काट लेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन का क्या खतरा बढ़ेगा? अगर जंगल पूरा कट गए तो खतरा क्या होगा? और ब्लेसिंग ऑफ फॉरेस्टेशन, और फॉरेस्टेशन जो अगर हम कर रखते हैं, फॉरेस्ट बढ़ाते हैं, जंगल बढ़ाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उसका क्या ब्लेसिंग है, इसे हम समझेंगे इस पोएम से। एंड थर्ड, वी विल लर्न दैट ऑल एनिमल्स विल बी हैप्पी ओनली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हम इसको भी सीखेंगे, जब जानवर आप घर पे लाके या चिड़ियाघर पे कहीं भी जितना भी आप सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे दीजिए, दे वॉन्ट बी हैप्पी देयर, ओनली दे विल बी हैप्पी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ वो पैदा हुई है, जहाँ वो पूरा आज़ादी के साथ रहते हैं, वहाँ पे जितना खुशी रहेंगे, आपके घर पे या चिड़ियाघर पे ला कर रखेंगे तो वो आप नहीं दे पाएंगे जो आज़ादी उन्हें जंगल में जितना खुशी मिलती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन इज प्रेजेंट प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट एंड अर्थ। आज की पीढ़ी, आप सभी का क्या जिम्मेदारी बनता है? हम किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत सारे लेसन पढ़ लेते हैं, लेकिन हर लेसन से, हर पोएम से हमें कुछ ना कुछ अमल में लाने के लिए, समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए बहुत मैसेज होता है, क्या हम उसे समझते हैं? यहाँ पर हम सीखेंगे कि आपके माध्यम से आज की पीढ़ी किस तरह एनवायरनमेंट को, जो हमारा फॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट है, जंगल है, वातावरण, उसको किस तरह हम बचा कर रखें, हमारे पृथ्वी को किस तरह बचा कर रखें। कई बार हम लोग पेड़ पौधे को बिना सोचे समझे काट डालते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन उगाते नहीं हैं। कितने लोगों ने, आप लोगों ने इस तरह करते हैं, आप खुद इसे जांच सकते हैं। तो हम लोग इस पोएम में सारे विषय देखें, क्या है, पहला हम आज़ादी क्या होती है, दूसरा फॉरेस्टेशन से और डिफॉरेस्टेशन में क्या खतरा बढ़ रहा है, और फॉरेस्टेशन क्या हमें मिलता है, क्या आशीष मिलता है, उसके बारे में देखेंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे एनिमल कहाँ पर वास्तव में खुश रह पाते हैं, और देखेंगे हमारी जिम्मेदारी क्या है वातावरण को, प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, उसे हमें कैसे सही सलामत रखेंगे, हमारा फर्ज क्या बनता है, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द पोएम। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, इसे याद रखिएगा और आगे हम पोएम से आगे बढ़े। पहला स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा, यहाँ पांच स्टैंजास हैं, और पांचों स्टैंजास में से मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। आई विल टेल यू द आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, यू हैव टू वॉच अप टू द एंड। फर्स्ट स्टैंजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केग ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वेट रेज। वो क्या करता है, उसी का पीछा कर, स्टॉक्स मतलब फॉलो करना, विविड मतलब उसका जो कलरफुल ब्राइट वाला लकीर है, स्ट्राइप्स हैं, उसको फ्यू स्टेप्स उसी पिंजरे के अंदर थोड़ा इधर उधर होता है। पैड्स मतलब उसका जो नीचे का हिस्सा, पाँव का नीचे का हिस्सा है, बलवेट मतलब जो मखमल का होता है, इस तरह का कपड़े जैसा बनता है, उसी को कहते हैं। टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज के, द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, द टाइगर मूव्स क्वेट ऑन हिज वेलवेट पैड्स। He is full of rage but is quiet because he knows that he is helpless here. Here poet is trying to tell you that वो क्या करता है, बस पिंजरा में इधर से उधर खाली पीछा करता है, इधर से खाली स्टॉक्स और मूव करता है, उसको फॉलो कर रहा है बस। उसके अंदर बहुत गुस्सा से भरा हुआ है, पर क्या कर सकता है, अपने जो विविड ट्राइब्स है, उस लकीर कैसे, विविड ट्राइब किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, दिस इज नथिंग। सो दिस टाइप्स ऑफ ट्राइब्स एंड वो इधर उधर खाली, उनके अंदर बहुत गुस्सा है, टाइगर के अंदर बहुत गुस्सा से भरा हुआ है, लेकिन वो जानता है हेल्पलेस है, पिंजरा के अंदर है, उसे वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द पैड, पैड यू माइट हैव सीन और नॉट, पैड, दिस इज पैड एंड वेलवेट, वेलवेट व्हाई इट मेंशन, वेलवेट मतलब उसका अर्थ है, लेट मी टेल यू द मीनिंग, वेलवेट मीन्स फ्लैनेल, जैसा मलमल का कपड़ा बहुत बारीक स्मूथ होता है ना, उसी के लिए कहते हैं। एंड स्टॉक्स मतलब फॉलो, विविड कलरफुल,
पैट्स मतलब पॉस और टाइगर जो नीचे के हिस्सा होता पैर का, ए है ए, रेज मतलब एंगर फ्यूरियस। सो जस्ट स्पीक्स अस एक्सप्लेनिंग अस, टाइगर क्या है, पिंजरा के अंदर बंद है, केक के अंदर है, पड़ा हुआ है, केक में है, तो क्या है, इधर इधर खाली मूव कर रहा है बस, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, बस अपने कलरफुल जो उसका कलर है, स्ट्राइप्स है, लकीर है जो, उससे खाली इधर उधर खाली मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, पर क्या है, किससे मूव कर रहा है, अपने पैड से, वेलवेट पैड से, बहुत गुस्सा है, पर वो जानता है कि हेल्पलेस नहीं है, हेल्पलेस है। हियर पोइटिक डिवाइसेस, सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस आर देन, राइम स्कीम है, ए बी सी बी, जितने भी हम लोग यहाँ पर स्टांजा देखेंगे लगभग सभी का यही है, ए बी सी बी। हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द राइम स्कीम, यू माइट यू नो, और इफ यू डोंट नो देन यू कैन गो ऑन क्लिक माई लिंक विच इज गिवेन इन डिस्क्रिप्शन, हियर सी, देन अगेन ई इज देयर, सो इट विल बी बी। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, एंड राइम स्कीम जो हम देखते हैं अभी सी बी, एंड पर्सनिफिकेशन, द टाइगर इज पर्सनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर हिम एज ही। आप पोएटिक डिवाइस अगर अभी तक मेरे वीडियो देखे नहीं हैं तो प्लीज़ जाइए, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पोइटिक डिवाइस, आप वहाँ जब जाएंगे तो सारे पोइटिक डिवाइस आसानी के साथ आप स्वयं इसे फाइंड आउट कर लेंगे। पर्सनिफाइड उसके लिए कहा जाता है जो व्यक्तित्व को दिया जाता है एक निर्जीव वस्तु को या इस तरह एनिमल्स को, ही का प्रयोग किया जाता है तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सो दिस डिवाइस इज पर्सनिफिकेशन यूज हियर। मेटाफोर, टाइगर्स पोस आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट, वेलवेट मतलब मखमल का जो होते हैं ना उसके साथ तुलना किया गया है पोस को, जो पैर के नीचे हिस्सा जो होता है, इसे मैंने कहा था, इस भाग को कहते हैं पोस। तो दिस इज कॉल्ड मेटाफोर, तुलना करके जो यूज किया जाता है उस मेटाफोर। एंजमेंट, एंजमेंट कभी जब कभी सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस देखिए, यहाँ पर विदाउट कॉमा एनीथिंग इट इज कंटिन्यूड नेक्स्ट लाइन, सो दोस सेंटेंस इज कॉल्ड एंजमेंट, ऑन हियर इज देयर, एंजमेंट इज देयर। जब कभी किसी लाइन बगैर पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करता है तो उसे हम लोग एंजमेंट कहते हैं। इमेजरी, इमेजरी ऑल्सो यूज हियर, पोएट ट्राई टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर हिज टॉक्स। इमेजरी मीन्स इमेजरी, जैसे इमेजिन करना, किसी प्रकार का भयावह दृश्य को बनाना, एक इस तरह का विजुअलाइज करना, इस तरह का माहौल बना देना, उस तरह को कहते हैं इमेजरी। सो पोएट यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, हिज टॉक्स इन हिज विविड, वो कहते हैं कि वो क्या करता है, उसी को फॉलो कर रहा है, इतने बड़े जगह पे अपने गुस्सा में है, फिर इस तरह है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको फिर इमेजिन करके पूरा वो किस तरह सोच करके अब उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह को कहते हैं इमेजरी। सो दिस डिवाइस हैज यूज्ड इन दिस फर्स्ट स्टैंजा। एंड कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस द रिपीटेड ऑफ वावल, नो सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, जैसे यस स्टॉक्स हीज, यू कैन सी हेयर वावल्स ओनली, वावल्स ओनली, सो कॉन्सोनेंस ओनली, सॉरी, वावल्स इज देयर बट कॉन्सोनेंस साउंड इज देयर, कॉन्सोनेंस साउंड वेन एवर कम्स, एसोनेंस इज कॉल्ड वावल साउंड, लाइक देयर ऑन सेम प्लेस टाइप्स आई आई इज यूज। इस दोनों का फर्क आपको समझना है, कॉन्सोनेंस
में क्या होता है, कॉन्सोनेंस का साउंड रिपीट होता है उसी लाइन में, एसोनेंस में क्या होते हैं, वावल साउंड हैज रिपीटेड इन बीबी स्ट्राइप। इसमें देखिए बीबी स्ट्राइप में पूरा वावल साउंड है, वावल्स हैं, वावल्स हैं, वावल्स हैं, वावल्स हैं। सो इस तरह का को कहते हैं एसोनेंस। नेक्स्ट स्टांजा विल सी, सेकेंड स्टांजा, सेकेंड स्टांजा हियर, ही शुड बी लर्निंग इन साडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेर प्लम्स डियर पास। हियर पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टाइगर वेन यू इफ यू वेर इन जंगल, if he were in a forest then he would have hide for hunting, just like luring matlab kisi shikar ke liye chip ke baithna usko kehte hain, jis tarah tiger hiding here to see sliding through the long grass near the water hole, aur kya karta ki wo ghas ke jo lambe ghas hote hain wahan ja chipte rehta, wahi se pura kya sliding move karta किसी शिकार के लिए, कोई डियर आ जाएगा प्लम मतलब जो हुस्ट फुस्ट बोलते हैं हेल्दी वन मोटे होकर के होता है डियर। लुकिंग एट द इम्प्रेशन टाइगर द पोइट इज फील्ड विद पिटी, ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट, देन एट हिज पॉइंट ऑफ हिज ऑफ द नाइट ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडो of trees and one sliding quiet through the long grass there near the water hole। यह poet के imagining, poet is thinking बेचारा tiger आज इस हाल में है, अगर वो अपने natural habitat में होता, अपने जगह में होता जंगल में तो क्या होता, वो पूरा आजादी के साथ रहता, और क्या करता रात पर अगर कुछ भी ना मिले तब तक क्या, तब भी क्या करता उसने, उस ऐसे साड़ों में ट्री के साड़ों में जाता, छाया में जाता और धीरे धीरे मूव करता, और लॉन्ग ग्रास जो लंबे लंबे घास होते हैं वहाँ जाकर छिपे रहता अपने शिकार के लिए, और क्या करता जो पानी के पास होता ना नियर बाय हो वाटर होल, वाटर होल नियर द वाटर होल इज रिटर्न। आप जानते हैं अक्सर क्या होता है शिकार करने के लिए टाइगर लोग जाकर छिपे रहते हैं वहाँ पर, कोई भी बड़े एनिमल जाते हैं छिपे रहते हैं क्योंकि वहाँ जाते छोटे छोटे जानवर वहाँ पानी पी कर आते हैं, और वो देखते वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर कि एक अच्छे सा हिरण मन मोटे सा हिरण क्या होता उधर से पास करता तो शिकार कर लेते। पोइट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैवी फिस्ट, इस तरह का वो माने इंतजार करते रहता कि बहुत अच्छा एक हैवी फिस्ट हो जाता टाइगर का, लेकिन आज कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है केक के अंदर। सो हियर आर सम द वर्ड मीनिंग, लर्किंग मतलब टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, मैंने छिप के रहना कि शिकार करने के लिए छिपे रहना उसको कहते हैं लर्किंग। प्लम मतलब फैट स्टार्ट, स्लाइडिंग मूविंग वेरी स्लोली, स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे मूव करना स्लाइडिंग बोलते हैं ना। सो हियर पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम सेम ए बी सी बी, राइम स्कीम इज द सेम थिंग, साडो इज ए एंड बी एंड सी अगेन एस देर तो बी इट इज ना। Enjoyment is there, enjoyment same thing, when it is line is continuous without any punctuation mark that is called enjoyment। Alliteration, alliteration use of sound P at the start of two words, plum pass, इसमें जो sound बार बार उसके P का ही आवाज़ आ रही है, इस तरह का जो repetition होता है उस तरह शब्द को कहते हैं alliteration। So it is used here in second stanza। Imagery, imagery I told you what poem is telling something, विजुअलाइजेशन व्हाट पोइट हैज एक्सप्लेन, जो एक दृश्य बनाया जाता है उस तरह के सीन को कहा जाता है इमेजरी। द पोइट हैज ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर एक्टिविटीज, टाइगर अगर जंगल में होता क्या क्या कर लेता इसको इमेजिन करके क्रिएट कर रहे हैं तो उस शब्द को कहते हैं इमेजरी। सो नेक्स्ट स्टांजा, थर्ड स्टांजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, वो क्या करता कि घर के किनार माने हाउस के किनारे अराउंड द हाउसेस सार्लिंग एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड क्लोज टेररिंग द विलेज, अगर जंगल से आ करके अगर जंगल कट जाते हैं तो इधर आकर क्या करता हो इस तरह अपने इसको कहते हैं फैंग्स
क्या करता टाइगर, पोइट इमेजिन करता है अगर जंगल कट गए, अगर फॉरेस्ट नहीं है, अगर टाइगर को अगर रहने का जगह ही नहीं मिला, नेचुरल हैबिटेट को हमने नुकसान कर दिया, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या होगा? वो आपके घर के चारों ओर आ जाएगा, जंगल के किनारे से होकर के घर के तरफ आएगा और अपने गली मोहल्ले में घुस जाता है। आप देखे होंगे आजकल भी इस तरह हो जाता है, आसाम में अक्सर होता है और नोएडा से कई कई कंपनियां में जब जंगल कटाई हो जाता है, जब डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है, तो इस तरह की घटना हम देखते हैं। सो ही शुड बी स्नार्लिंग हियर, पॉइंट इज ट्राइंग टू टेल, पॉइंट इमेजिन व्हाट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल्स टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट। ही सेज दैट द टाइगर वुड बी ग्रोलिंग एट द एज ऑफ जंगल नियर सम विलेज, he would be showing his white fangs and claws while moving here and there, he would thus become a cause of terror of villagers of the villager. The poetess here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tiger, they will be forced to turn to our town and villages to find their food. Jab hum jungle ko kaat dalte hain, forest ko अगर हम ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या होगा? इन्हें शिकार नहीं मिलेगा, इन्हें खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिल पाएगा इस टाइगर को, क्योंकि सारे जानवर वहाँ रहेंगे नहीं, तो इन्हें भी भोजन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा आखिर में? आपके टाउन में आ जाएंगे, विलेज में आ जाएंगे, जिस तरह आए दिन होते रहता है। इसलिए फॉरेस्ट होना क्या ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक तो इकोसिस्टम बना रहेगा और दूसरा हमारे लिए वातावरण एनवायरमेंट सही रहेगा। फॉरेस्ट करना कितना जरूरी है। सो इफ वी डिस्ट्रॉय देन टाइम विल कम ऑल वाइल्ड एनिमल्स दे कैन कम टू द विलेजेस टाउन्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर एनवायरमेंट, सेव फॉरेस्ट आल्सो। सो पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स हियर। सो हियर सम ऑफ द मीनिंग, स्नार्लिंग मतलब वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, जो स्नार्लिंग मतलब आवाज़ घुराती हुई जो वार्निंग साउंड देते हैं, जब जानवर रोते हैं, जानवर चिल्लाते हैं, उस तरह का डरावनी आवाज़ जब निकलता है तो गांव वाले या हम सभी डरते हैं, उस तरह का आवाज़ को स्नार्लिंग कहते हैं। बेरिंग मतलब अनकवर्ड, बेरिंग फुट कहते हैं ना, खाली पर नंगे पाँव चलना। फैंग्स मतलब लॉन्ग शार्प टीथ, इस तरह लॉन्ग शार्प टीथ को उसको फैंग्स कहते हैं। हियर पोएटिक डिवाइस आर use rhyme scheme same thing A B C B because all is lining is sort of ending with S again E again S again E so A B C B in almost all five stanza is given same rhyme scheme there. Enjoyment is there as I told you here, no comma, nothing is there, but it's continue the next line, so it is enjoyment is there. Onomatopoeia using words which denote sound snarling, jis tarah ka मैंने ओनोमेटोपिया, इफ यू गो एंड सी माई लिंक फॉर डिवाइसेस यू विल गेट दिस वन कंप्लीट डेफिनेशन। ओनोमेटोपिया किस तरह का आवाज़ को यूज़ किया जाता है, रोरिंग लायन साउंड, कैट साउंड, एनी साउंड इज वी आर यूजिंग दो वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। एस ओन एस द साउंड, वाउल साउंड इज देर, ओ इज देर, आई इज देर, शूड अराउंड हाउस वेयरिंग हिज व्हाइट एवरीवेयर, दिस vowel sound is there. And consonant sound is there, S, his fangs, here assonant sound there and consonant sound also there. Assonant means vowel sound, consonant means consonant sound. So those words are called consonants and vowel sound is there, there assonant. So fourth stanza I will tell. Fourth stanza is there, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bar, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केग, इग्नोरिंग विजिटर्स। टाइगर तो इतना पावरफुल है, शिकार करता सब कर सकता है, लेकिन यहाँ कभी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करें, वो तो कंक्रीट सेल के अंदर वो लॉक हो गया है, मतलब ताला बंद कर दिया गया है, वो अंदर है, वो निकल नहीं सकता, उसका जितने भी ताकत है, जितना शक्ति है, बल है, वो बार के अंदर ही है, कैद के अंदर, मतलब कैदी में है, इसलिए उसके अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केग, इग्नोरिंग विजिटिंग, और स्टॉकिंग मतलब फॉलो करना, उसकी जो जितना चौड़ाई है उसी में फॉलो कर रहा है, उसी के पीछे उसी में चल रहा है बस, वो मूविंग अप टू दैट मच ओनली,
अनिग्रह इवन आने जाने वाले लोगों को ध्यान ही नहीं देना, नज़रअंदाज कर देना, बिकॉज हिज इन केक हिज पावर एवरी थिंग इट इज इन लॉक लाइक हियर इन केक. सो नाउ हियर वेन एवर हु एवर कम्स वाट एवर दे डू ही विल नॉट माइंड दोज थिंग बिकॉज ही इज इन जेल. द पॉइंट इज सीज द टाइगर लैग इन ए कॉन्क्रीट सेल इन द जू. In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently he moves up and down along the length of the cage. He takes no note of visitors who come to the zoo to have a look at him, because he is inside how he will be when he would have staying in jungle, in forest, how his activeness. और अगर किसी को देख लेता तो तुरंत उधर मूव करता और दौड़ा के लाता और आवाज़ घुराने का आवाज़ सुनने को मिलता. लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा शांत होकर बैठ करके वो इधर उधर खाली मूव करता है, बस उसके अंदर इतना ही उसके लिए है यहाँ. और वो विजिटर जो भी आते हैं देखने के लिए वो किसी को नोट या किसी पे ध्यान नहीं देता है. सम वर्ड मीनिंग द कॉन्क्रीट मतलब मटेरियल रियल. कॉन्क्रीट आप जानते हैं जब बिल्डिंग वगैरह बनता है तो कॉन्क्रीट बना रहता है, उस तरह कॉन्क्रीट का होता है. कॉन्क्रीट से इसमें बार लगाया जाता है. एंड स्टॉकिंग मतलब फॉलोइंग, स्टॉकिंग इज फॉलोइंग. इग्नोरिंग मतलब पास ओवर विदाउट गिविंग ड्यू अटेंशन. कोई व्यक्ति जाता है हम लोग इग्नोर कर देते, किसी बड़े व्यक्ति जाते हैं हम लोग इग्नोर कर देते, कोई हमारे गुरुजन जाते हैं इग्नोर कर देते, उस तरह के शब्दों को बोलते हैं इग्नोरिंग. बट वी हैव टू माइंड देम. हियर टाइगर इज इग्नोरिंग. द पोएटिक डिवाइस आर यूज द सेम थिंग. राइम स्कीम इज ABCB एंड पर्सनिफिकेशन इज देयर. टाइगर इज पर्सनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज ही. यहाँ पे टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है ही करके. ओ एसोनस ऑल्सो यूज हियर. ई साउंड मतलब वावल साउंड इज देयर. ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल इट इज देयर. वावल साउंड वेर एवर वावल साउंड इज रिपीटेडली कमिंग दैट इज कॉल्ड एसोनेंस. सो कीप इन माइंड एंड वेन एवर इज कम्स सच क्वेश्चन देन इजीली यू कैन राइट डाउन. And consonants, use of consonant sound, whenever it comes, consonant sound repeatedly, that is called consonants. Hinge, strength, bars, these are consonant sound. Bars. And hinge, strength, these are consonant sound. And alliteration is there, B sound is repeated here. B sound at the start of two words. But he is locked in a concrete cell and behind either bar either, but B sound is repeated when that same word like is repeated, so that is called alliteration. Now fifth stanza we will see. Jab yahan dekhte hain, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The tiger knows no rest during the day because of the visitors. Even at night, he remains disturbed due to the noise of the patrolling cars. He keeps staring at the brilliant star with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heavy heaven why he has been imprisoned there. Because lastly he is telling this poet is explaining tiger might have thinking. Tiger क्या सोच रहा होगा, tiger इस तरह सोचता होगा. और जब कभी क्या होता है जंगल में रहता तब जंगल में जब विजिटर लोग रात भर आते हैं तो उसे डिस्टर्ब हो जाता है. रात में क्या पूरा नॉइज होता है, पेट्रोलिंग करते लोग, पेट्रोलिंग में मतलब लोग गार्ड करना इस तरह जब होता है तो उसके नॉइज़ की आवाज़ से उसकी जो आवाज़ होती है उससे क्या टाइगर रात में डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्या करता है वो देख करके अपने जो स्टेरलिंग आइस स्टार की तरह पूरा स्टेरलिंग स्टेरिंग मतलब पूरा निहारना घूरना एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आई. उसका ब्रिलियंट जो चमकीला आँखों से क्या है चमकीला तारे को देखते रहता है. क्यों ना कुछ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पेट्रोलिंग दिस कार्स एंड हंटर्स. सो वो क्या कहता है लास्ट में, Perhaps he is asking heaven, वो आसमान कहता है क्यों वो कैद है यहाँ. Here, like this, how he is roaring, like, no? What meaning? Patrolling मतलब guard and vigil stare मतलब गैज पूरा घूर के देखना निहारना. So, lastly, think,
पॉइंट इज एक्सप्लेन किया ना, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, मैंने अंतिम शब्द को भी सुनते रहते जब पेट्रोलिंग होता है और डिस्टर्ब हो जाता है रात में, वो शिकार करने का समय है जब पेट्रोलिंग करने लोग जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, तब उसकी आवाज़ से उसके ध्वनि से ये डिस्टर्ब हो जाता है। ही कीप स्टेयरिंग एट द, और क्या करता है पूरा आँखों को नज़र गड़ा के गाड़ के पूरा देखते रहता है, अपने जो चमकीला आँख से गाड़ करके आसमान की ओर तारे को, चमकते हुए तारे को देखते रहो, कहता है क्यों मैं यहाँ कैद हूँ, यहाँ जब वो चिड़ियाघर में है इस तरह लोग आना जाना करते तो पूरा रात भर डिस्टर्ब भी हो जाता है, वो क्या करेगा, कैद के अंदर होने के कारण से वो खाली निहार देखते रहता है किसको, चमकीला तारे को, और चमकीला आँखों से खाली आँख काढ़ के देखते रहता है और सोचता है मैं क्यों यहाँ पर कैद हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ कैद या इम्प्रिशन टाइगर, जो टाइगर कैद है उसकी कहानी है। यहाँ पोइटिक डिवाइस सेम थिंग ए बी सी बी और राइम स्कीम, एंजॉयमेंट इज यूज हियर वेर एवर नो कॉमा इज देयर, नथिंग इज देयर सेकेंड थर्ड लाइन में, यहाँ कुछ नहीं लगा विदाउट कॉमा एंड पंक्चुएशन मार्क, इट इज कंटिन्यू द नेक्स्ट लाइन, सो दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। एंड हियर एलिट्रेशन इज यूज, एच साउंड इज देयर स्टार्टिंग ऑफ द टू वर्ड्स, यू कैन सी ही हियर दिस एलिट्रेशन, ही हियर एलिट्रेशन, एसोनेंस ऑल्सो आई साउंड इज देयर विथ हिज ब्रिलियंट, विथ हिज ब्रिलियंट आई आई, नो दिस इज कॉल्ड एसोनेंस। सो दिस पोएम वी आर सीइंग हियर, हम देख रहे हैं इसमें कि टाइगर जब कैद हो रहता है उसकी कहानी या उसका फीलिंग्स, वो क्या महसूस करता हो, इसे पोइट यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। किस चीज़ों को हम सीखते हैं यहाँ से, किस चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है, व्हाट थिंग्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट मस्ट रिमेंबर इन एवरी लेसन, इन एवरी पोएम देर इज समथिंग टू लर्न, देर इज सम लेसन टू लर्न, बाय रीडिंग आउट देर इज नॉट द इनफ, वी हैव सम ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द मैसेज, टू इम्प्लीमेंट, to be in practical. This poem contrasts a tiger when it is in natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. ये क्या करते हैं, जब कभी उससे संबंध करता है, उससे दिखाता है जब वो चिड़ियाघर में है और जो अपने आप जंगल में, तो क्या फर्क होता है जंगल में रहने वाला टाइगर का और एक कैद किया हुआ, क्या फर्क है, उसे वो यहाँ पर दर्शाते हैं, दिखाना चाहते हैं। ऑन स्टेरी नाइट द पोइट सीज ए टाइगर इन ए जू, और इस तरह का रात में टाइगर क्या कहाँ पर पोइट देखता है, जू में देखता है। इस पोइम में जो सीख रहे हैं उसे हम बता रहे हैं, द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज कैद, और क्या कर रहे हैं टाइगर धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अप एंड डाउन, इधर जा रहा उधर जा रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, क्यों ना उनका एरिया उसका एरिया उतना ही है। द टाइगर इज फुल ऑफ रेज बट ही इज क्वेट इन हिज हेल्पनेस, बहुत गुस्सा तो है लेकिन वो क्या है, शांत है क्योंकि हेल्पलेस है। द पोइट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर, और पोइट यहाँ पर वो दया आता है टाइगर के ऊपर। द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड बी हैव बीन इन द जंगल, पोइट कहता है का टाइगर को जंगल में होना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। बट सैडली द टाइगर इज लॉक बिहाइंड बार इन ए कॉन्क्रीट सेल, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ये अनफॉर्चुनेटली कहाँ पर है, टाइगर यहाँ पर कैद है कंक्रीट सेल के अंदर है। द टाइगर डज नॉट मेक एनी नोटिस ऑफ विजिटर, और टाइगर यहाँ पर क्या करता है, किसी विजिटर को नोटिस भी नहीं कर रहा है। द टाइगर इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और टाइगर यहाँ पर क्या है, और ऐसा स्वतंत्रता ऐसी आज़ादी नहीं रह गई कि अपने नेचुरल हैबिटेट में आज़ादी के साथ घूम सके, घूम फिर सके। तो यहाँ तक पोएम जो हम फाइव स्टांजा हम लोग ध्यान दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे हैं, अगर नहीं समझ तो आप सवाल करना और कमेंट करने ना भूलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी किसी भी प्रकार का बातें कमेंट जरूर करके बताएंगे, और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जब तक दूसरा मेरा वीडियो ना आ जाए तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।